क्रिकेट वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तानी बैटिंग की बैटरी डाउन हो गई है। रोहित शर्मा, ये क्या, रोहित शर्मा ने अकेले 6 छक्के मार लिए, पूरी टीम ने एक नहीं मारा। पाकिस्तान को रुलाया आपने, पूरे पाकिस्तान को। शर्मा का स्कोर मैंने देखा था, वो क्रीज पे खड़े थे, अकेले उसने 4 छक्के मार दिए थे। आपकी पूरी बैटिंग लाइन ने एक छक्का नहीं मारा। 155 पे 3 आउट, और जो है वो आगे जो है वो क्या बोलूं मैं, 191 पे ऑल आउट हो गए। बुमराह ने, फास्ट बॉलर है वो, मैं उसकी स्पीड देख रहा था, पूरे पाकिस्तानी प्लेयर में से किसी एक प्लेयर के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उसको एक छक्का लगा सके। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। कोहली है जी, ही परफॉर्म्स रियली वेल। कोहली तो जब खेलता है वो परफॉर्म करता है अगेंस्ट पाकिस्तान। और रोहित शर्मा भी इस तरह का प्लेयर है, जैसे फखर, नहीं फखर को हमने बाहर कर दिया, हाँ जी। वो इस तरह के लोगों को बाहर नहीं करते, नहीं करते। रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है, या तो वो अंडर 10 आउट हो जाएगा जी, या फिर वो बड़ा शॉकर। तो जिस तरह से उसकी फॉर्म उसकी जाती भी है, आती भी है ना, तो फिर वो छोड़ता नहीं। गिल है वो, एक ऐसा टैलेंट है कि जो नेक्स्ट सुपरस्टार बनने जा रहा है, ऑलरेडी उसने प्रूव किया है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है इस दोनों टीमों के अंदर, कोहली से बड़ा, रोहित शर्मा से बड़ा, वो हार्दिक पांड्या। 155 पे 3 आउट, और जो है वो आगे जो है वो क्या बोलूं मैं, 191 पे ऑल आउट हो गए। उल्लू के पट्टे ये बैटिंग कर रहे हैं, ये इनसे जो तवक्को लगाई थी पाकिस्तानियों ने, ठुक करके जब ठुक छोड़ी तो ये बवासीर किस्म की बैटिंग किया इन्होंने। क्या बैटिंग किया भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या पाकिस्तान के साथ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान के साथ ये हुआ क्या भाई। 36 स्कोर के अंदर पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हो गए, 155 पे जो है वो इनके 3 खिलाड़ी आउट थे, और अगले 36-37 स्कोर पे पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हो गए। और जो किंग बने फिरते थे भाई, वर्ल्ड क्लास बने फिरते थे, उन्हें चपेड़े मार दिए हैं, चपेड़े मार मार के मुंह सीधा सीधा करके ना चपेड़े मार के उन्हें बाहर भेजा कि दफा हो जाए यहां से, तुम्हारी औकात नहीं है अहमदाबाद के स्टेडियम में खेलने की, तुम्हारी औकात नहीं है इतनी बड़ी टीम के साथ खेलने की, तुम लोग डिजर्व भी नहीं करते हो कि तुम जो है वो इंडिया जैसी टीम के सामने खेलो या इतना बड़ा इवेंट तुम लोग खेलो। क्या इनकी औकात आपको ये लास्ट जो है 5 ओवर में नजर आ गई होगी कि 36 स्कोर के अंदर जो है टोटल इन्होंने जो है वो 7-7 विकेटें दे दी उल्लू के पट्टू ने। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसी बैटिंग को लात मार के जो बाहर भेजना चाहिए, बाकी कोई नहीं है, इनको आउट करो, आउट करने के बाद पीछे से लात मारो, इनको लात मार के बोलो कि बेगार तो दफा हो जाओ बाहर, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर उल्लू के पट्टो। ये बैटिंग है इनकी यार, क्या यानी कि मैंने चाय का कप हाथ में पकड़ा भाई, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक जो वो आउट हो गए भाई। चाय का कप कितना एक होता है, वो जब मैं फिनिश नहीं कर पाया और ये सारे के सारे आउट होके चलते बने, एक टाइम में जो ट्रेंड बन गया था जी हमारा किंग है जी। बहुत जबरदस्त, और इंडिया ने क्या ही खेला है, लेकिन जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है वो जिस तरीके से होना चाहिए, जो एक कसाकशी, जो एक होते ना उसे एकदम फाइट एक्सपीरियंस रखनी चाहिए, पाकिस्तान ने तो पूरे हथियार डाल दिए। तो इससे भी पाकिस्तान का बैक परफॉर्मेंस करे या इंडिया का डॉमिनेंस करे, भारत का डॉमिनेंस करे, तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और ज़्यादा मज़ा अगर लेना है तो आप अपन यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोगों के मतलब रिएक्शन देख रहे हैं मीडिया में, वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग, बहुत ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग है फॉर इंडिया, बिकॉज जिस तरीके से इंडिया खेला है वहाँ पर अगर पाकिस्तानी भी आपको प्रेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए अचीवमेंट वाली बात है। हमें पाकिस्तान के प्रेजिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर उनका एक्नॉलेजमेंट एक काफ़ी बेहतर तरीके से बताता है कि इंडिया की टीम कितनी अच्छी, कितनी बेहतर दिख रही है इस वर्ल्ड कप में, कितना सही खेल रही है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे और क्या है। अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो हालांकि आपको पसंद आएगा तो आप बिल्कुल उसको लाइक कीजिए, कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब। अभी तक 1000 बॉलें इसको आप कन्वर्ट करेंगे ना ओवर्स के अंदर तो ठीक ठाक ओवर्स बन जाएंगे। 1000 बॉलें आपने पावर प्ले की खेली है, लेकिन आपने एक छक्का नहीं लगाया, नहीं लगाया छक्का नहीं लगाया आपने। और ये पिछले वाले श्रीलंका के मैच में ये स्टैट्स निकल कर आए थे, लेकिन हमने क्योंकि कहते हैं कि जो जीत होती है ना वो खामियों को दबा देती है, लेकिन डिसअपॉइंटिंग इनिंग्स। मैं आपको सच बताऊं, ये ट्रैक ऐसा था, मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने कहा अगर इंडिया खेल रहा होता ना पहला 10 ओवर में, हमने शायद 40-42 रन बनाए थे, इंडिया ने 70 रन कर देने थे, बिल्कुल एक विकेट गिरती है। और अगर होम रन इंडिया का ना भी होता ना, आप ये जो कह रहे हैं कि बहुत प्रेशर हो गया पूरी आवाम के सपोर्टर से, भाई इतना प्रेशर नहीं होता कि आपकी बैटिंग ना चले, आपकी बॉलिंग ना चले, और आपसे बिल्कुल ही आज की गेम ना खेली जाए, आप लोग तो बिल्कुल छोड़कर बैठ गए, हवास बाकता हुए थे। और रिजवान जिस तरह से हमने उनको पिछली इनिंग्स उनके खेलते हुए देखा, बिल्कुल डर डर के खेल रहे थे, मैं बिल्कुल हर बॉल पर बोल रही थी कि भाई रोहित शर्मा ने मैंने मैच देख रहा था, उस यकीन करें बैटिंग देखने का इंडिया की दिल नहीं किया क्योंकि वन साइडेड मैच था। जब तक रोहित शर्मा का स्कोर मैंने देखा था, वो क्रीज पे खड़े थे, अकेले उसने 4 छक्के मार दिए थे, आपकी पूरी बैटिंग लाइन ने एक छक्का नहीं मारा। मतलब अब हम इंडियन बॉलिंग को क्रेडिट कैसे दे सकते हैं, आपके पास बैट्समैन है ही नहीं खेलने के लिए, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैं आपको देखें, मैं इस पर बड़ा हूं, सभी हर पूरी नेशन बाबा, हम लोग इनसिक्योर लोग हैं,
हम लोग जज्बाती तो हैं लेकिन इनसिक्योर हैं। अगर मैं समझूंगा कि आमना मुझसे बड़ी अच्छी एंकर है तो मैं कोशिश करूंगा यार ये ट्रांसमिशन में ना, वैसे तो है नो डाउट इसमें नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यार ये ट्रांसमिशन में ना हो मेरे साथ, क्योंकि मैं निखर के नहीं आऊंगा। बाबर आजम से बड़ा प्लेयर कौन है बैट्समैन, मुझे एक बात बताइए। तो बड़ा नाम अगर आपको लगता है, वैसे बाबर आजम को मैं बहुत बड़ा प्लेयर नहीं मानता, दुनिया मानती होगी, लेकिन बड़ा प्लेयर होता है जो आपको जीत दिला। मुझे नहीं पता कि लास्ट मैच ये करके दिखाओ, वो होना चाहिए कि यार ऐसे आउट होकर दिखाओ, ऐसे आउट होकर दिखाओ, पूरी दुनिया में ऐसे आउट नहीं होते। जिस तरह से बुमराह ने फास्ट बॉलर है वो, मैं उसकी स्पीड देख रहा था, 140 की स्पीड पे बॉल कर रहा है और उसका रन आप देखेंगे ना तो 4 से 5 कदम है। हाँ। उसके बावजूद उसको पता है कि यार टर्निंग ट्रैक है, उसने आप समझ ले कटर मारी है और रिजवान बोल्ड हो गया 49 उसने, यार 60 बॉलें खेल ली आपने, 10 ओवर इस ट्रैक पर आपने खेल लिए। हाई स्लो गेम थी ना ये ट्रैक, ऐसा था। हाँ। यूजुअली कहा जाता है वनडे क्रिकेट के अंदर कि आप आते हैं उसके बाद आप पिच को समझने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट अब ये नहीं है, मॉडर्न डे क्रिकेट होती है आना और उसके बाद आपने खेलना है। हाँ। आपने परफॉर्म करना है, आपने शुरू के 10 ओवर कम से कम 60 रन बनाने, भले आपकी विकेट गिर जाए। सलमान हम ये भी तो कहते हैं ना कि इंडियन जो पिचेस हैं ये बैटिंग पिचेस हैं और इसी पे शोएब अख्तर की आज हमने देखा, उन्होंने ट्वीट भी किया कि आपने लॉस्ट अपॉर्चुनिटी के भाई, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी बैटिंग करने के लिए लेकिन हमारी बैटिंग लाइन कैसे लड़खड़ा गई। ये जुमला तो खैर मुझे लगता है कि बार 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 बचपन से अब तक सुनते सुनते इंग्रेव हो चुका है मेरे माइंड में कि हमारी बैटिंग लाइन इंडियन बॉलर्स के आगे लड़खड़ा गई। जनाब किस तरह से